गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, आई एम रुचि गुप्ता योर मैथ्स टीचर. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7. सेवन्थ क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ ए नंबर एंड 34 इज इक्वल टू एज मच एज थ्राइस द नंबर. फाइंड द नंबर. सबसे पहले नंबर को एक्सपुट करेंगे. लेट अ नंबर बी एक्स, थ्राइस अ नंबर. इस नंबर का थ्राइस यानी 3 से मल्टीप्लाई 3x. अब एटी क्यू आपको इक्वेशन बनानी है. नंबर प्लस 34, उन दोनों का सम है थ्राइस से नंबर यानी 3x. ये x वहां जाके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस करेंगे 2x, x की वैल्यू निकालेंगे 2y में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 17. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर विच इज एज मच लेस देन 54 एज इट इज ग्रेटर देन 8. एक नंबर 54 से माइनस करने पर उतना ही आता है जितना 8 से ग्रेट करने पर आता है. देखो इक्वेशन कैसे बनेगी. लेट अ नंबर बी एक्स, एक नंबर लेस देन 54, 54 में से माइनस करने पर उतना यानी इक्वल जितना उसे 8 से ग्रेटर यानी 8 से प्लस करने पर आता है. माइनस एक्स यहाँ पे के प्लस एक्स हो जाएगा, 8 वहाँ जाके माइनस 8 हो जाएगा. दोनों को प्लस करेंगे 2x, माइनस किया 46, एक्स की वैल्यू निकालनी है 2y में आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 23. हमें अभी ये तो x की वैल्यू आई है, हमें नंबर चाहिए था x प्लस 8, x क्या आया 23, 23 प्लस 8 प्लस करके नंबर आ जाएगा आपका 31. नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 7, जब उसे 7 से मल्टीप्लाई करें एंड 17 सब्ट्रैक्टेड 4 और उसमें से 17 माइनस करें, इट इज द रिजल्ट सेम एज व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 19 ऐड करने पर आए. लेट अ नंबर बी एक्स, देखो इक्वेशन कैसे बनानी है. 7 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 17 सब्ट्रैक्टेड, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, रिजल्ट इक्वल सेम एज द मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 19 ऐड कर दिया. प्लस 3x यहाँ पे आके माइनस 3x, माइनस 17 वहाँ जाके प्लस 17, माइनस किया प्लस किया, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 9. क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव नंबर वो सम इज 78. कंसेक्यूटिव नंबर्स को क्या मानेंगे, 4 माने. अब एक हो जाएगा x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, चार नंबर हो गए. इन चारों को प्लस करेंगे इक्वल 78, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना. कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स जो लाइन वाइज होते हैं लगातार. क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर इज 15. लेट अ नंबर बी एक्स, नंबर को एक्स माना, उस नंबर का 3/4 3/4 डिफरेंस यानी माइनस और 3/5 ऑफ दिस नंबर, दोनों का डिफरेंस यानी माइनस है 15. बाय में एलसीएम लेंगे, 4 5 जा 20, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 3 जा 15x, माइनस 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया 12x, माइनस किया 3x बाय 20 इक्वल 15, 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बाय में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100. क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल. अब आपको पेरीमीटर गिवन है एक ट्राइंगल का. इफ लेंथ एक्सीड यानी लेंथ ज्यादा है इट्स ब्रेथ से बाय 3 meters. ब्रेथ हमने मानी x, तो लेंथ उसे 3 meters ज्यादा है, ज्यादा यानी प्लस x प्लस 3 meters. पेरीमीटर 2 × L + B, इन दोनों का सम x प्लस 3
एक्स और एक्स को प्लस किया 2x + 3, पेरीमीटर आपको गिवन है 30। ये 2 यहाँ बाय में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 15, प्लस 3 में आ जाके -3, माइनस किया 12, 2 बाय में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 6। हमें निकालनी है लेंथ, लेंथ क्या था x + 3, x क्या आया आपका 6, 6 + 3 9 मीटर। 13 क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स वाइड, उसकी लेंथ 3 times है उसकी ब्रेथ से, और हमें पेरीमीटर गिवन है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने x माना, लेंथ उसे 3 times 3 से मल्टीप्लाई 3x, सेम पैरामीटर 2 × l + b, दोनों को प्लस किया 4x, पैरीमीटर 56 गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 8x, 8 बाई में आ जाएगा 7 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी थी हमने, लेंथ थी आपकी 3x, x की वैल्यू क्या आई 7, मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ आ जाएगा 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।